हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सब? हो बढ़िया होगे। तो आज अपन निकले थे, अपने हैंडल लगाए, उसके बाद में टेस्ट ड्राइव पे हैंडल की यार, हैंडल अपना थोड़ा एक शॉर्ट राइड मारते, थोड़ा काम भी था मुझे, तो मैं एक शॉर्ट राइड भी मार लेता हूँ, मेरा काम भी हो जाएगा और एक शॉर्ट राइड भी हो जाएगी, एक ब्लॉग भी बन जाएगा। तो सोचा कैमरा चालू कर लूँ, जा रहा था कुछ काम से ही। तो गाइस सबसे पहला ऑनेस्ट रिव्यू ये दूंगा मैं मेरे हैंडल के बारे में कि ग्लव्स पेन के इसके अंदर में ना अपने को क्लच दबाने नहीं हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस अगर आप क्लच पकड़ के चल रहे हो तो नहीं पकड़ पाओगे देखो ऐसे। बाकी अगर आप गियर चेंज करने के टाइम पे सिर्फ क्लच को पकड़ रहे हो तो ठीक है, एक्चुअली क्लच का पोजिशनिंग ज़्यादा नीचे गया है, ब्रेक का बराबर है मेरे हाथ में, बाकी क्लच का थोड़ा नीचे गया है, क्लच को थोड़ा और ऊपर होना चाहिए अपने क्लच लीवर को। अपना नियॉन वुल्फ आज घूमने निकला है बहुत दिन के बाद में भाई। चलो फिर थोड़ा मचाते हैंडल को, थोड़ा कटिंग वगैरह भी करके देख लेते कि बराबर से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है हैंडल, तो थोड़ा कटवट भी मार लेते आज, कटिंग कैसी हो रही है देख लेते। मुझे गाड़ी काटने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, देख ही सकते हो अभी मैंने कैसे काटा है, गाड़ी अच्छी कट रही है। मजा आ रहा है गाइस, मजा आ रहा है बहुत। ये देखो ये कटा हैंडल, और मेन मज़ा का है पता है आप लोगों को? बताता हूँ, थोड़ा ही आगे पहुँचेंगे ना अपन, तब मैं आप लोग को बताता हूँ मेन मज़ा क्या है इतना ऊंचे हैंडल में। लो भगा के भी चेक कर लिया अपन ने गाड़ी, मतलब ये नहीं हो रही है, जर्क नहीं मार रहा है हैंडल ज़्यादा स्पीड में जो अपना हैंडल, याद है अपन स्पीड टेस्ट कर रहे थे, स्पीड टेस्ट का ब्लॉग चेक करो मेरा, उसके अंदर में आप लोग को दिखेगा कि मेरा हैंडल जब 110 खुला था तब गाड़ी आगे से जर्क करने लग गई थी, हैंडल ऐसे ऐसे हिलने लग गया था भाई। मज़ा आ गया ये हैंडल में भाई, मज़ा आ गया, और पोजिशनिंग तो बहुत अच्छी है। अभी देखो मेन मज़ा क्या है मालूम है? ये हैंडल में अभी आने वाला है मेन मज़ा, मैं आप लोग को बताता हूँ क्या। पुराना जो अपना हैंडल था उसमें अपन कभी भी बाइक पे ऐसे खड़े नहीं हो सकते थे, ये देखो इसमें मैं खड़ा हो सकते थे मतलब, लेकिन हैंडल को बहुत अच्छे से पकड़ना पड़ता था, बहुत अच्छे से संभाल के रखना पड़ता था मतलब, और इसमें देखो इसमें हैंडल ऊपर है, आराम से कंट्रोल हो जाता है एकदम सही। हवालदार साहब ने लगता मेरा फ़ोटो निकाले सुबह सुबह, मैं खड़ा था गाड़ी पे शायद। चलो चेक करा लेंगे बाद में भाई से, बाकी खड्डे थे यार। नहीं नहीं ऐसे तो फाइन नहीं मारा रहेगा, गाड़ी पे खड़े होने के लिए क्या फाइन मारेगा, देख लेंगे बाद में। चलो सही है सही है, मज़ा आ गया गाइस, ये हैंडल लगा लो आप लोग भी, और इतना ही हाइट रखना मेरे हिसाब से, जिसको भी तकलीफ़ है पीठ और कंधे का तो इतना मस्त हाइट रखना, इसमें अपनी पोजिशनिंग एकदम सीधी आती है। ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ एकदम ऑनेस्ट, बस क्लच लीवर्स और ब्रेक लीवर्स को अच्छे से एडजस्ट कर लेना। ये देखो ग्लव्स में है ना, ये दो हिस्सा स्लिपरी है, और ये अपना मोबाइल यूज़ करने के लिए इसमें टच के लिए कुछ दिया है उन्होंने फैब्रिक, तो टच इससे अपना काम करता है मोबाइल का, ये देखो। तो ये फैब्रिक की वजह से ग्रिपिंग कर पा रहा हूँ मैं, या तो फिर इसके ऊपर एक ग्रिप आता है रबर का वो चढ़ा के ले लो लीवर्स के ऊपर आपके, तब अच्छे से ग्रिपिंग हो जाएगी आपकी। मेरे ग्लव्स यहाँ पे स्लिप कर रहे हैं क्योंकि लीवर बहुत नीचे है, इसमें मेरे को हाथ ऐसा रखना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो ये जो नीचे का जो दिमाग है वो डैडी का ही है, हैंडल के नीचे जो इतनी हाइट उठाने का दिमाग है ना, ये डैडी ने बताया मुझे, ये मैंने मेरा दिमाग नहीं लगाया हूँ। हाँ बाकी हैंडल लगाने का और वायरिंग बाहर लाने का जजमेंट सारा कुछ मेरा है,
बाकी ये फिटिंग्स मुझे बस बोल देना, बहुत आसानी से पापा ने बता दिए कि ऐसे ऐसे कर, हो जाएगा तेरा काम एकदम अच्छे से। तो मैंने वैसे ही किया है। और उन्होंने एक और एक सजेशन दिया था कि खड्डा मत मारना गाड़ी लेके। तो गाड़ी लेके खड्डा मारेगा तो शायद कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन अभी सही में मैं अभी चला रहा हूँ गाड़ी पे, खड्डा भी मार रहा हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। टी के ऊपर भी जो वो बता रहे थे वैसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे, खड्डा भी मैंने मार के देख लिया हूँ, सही चल रही है भाई गाड़ी एकदम। डैडी आपका काम सक्सेस हो गया है, खड्डे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है गाड़ी को। चलो गाइस मैं पहुँचने आ गया हूँ लोकेशन पे, थोड़ा सा मुझे काम है वो करके मैं आप लोग से मिलता हूँ। ये देखो खड्डा लगा लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा, और हाथ पे भी झटका नहीं। ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, एकदम बीच में स्लो कर दिया इसने। अच्छा गटर का ढक्कन खुला है। गाइस कुछ तो नोटिस होना चाहिए उधर पे, एक बड़ा सा फ्लैग या फिर कुछ भी डिवाइडर कुछ भी होना चाहिए, वहाँ पे बाइकर गिर सकता है। आप लोग ध्यान रखो, मैं अभी हूँ जोगेश्वरी वाला जो राम मंदिर का फ्लाईओवर है वो अंदर वाला सर्विस रोड लेके आओगे तो बस उधर ध्यान देना गटर का ढक्कन खुला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत से लोग हैं जो वीडियो भी देखते हैं अपना, तो गाइस उधर पे ध्यान रखना ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आप लोग से। तो गाइस अपना काम ख़त्म हो गया है इधर का, अभी अपन जा रहे हैं बैंड्रा की तरफ, वहाँ पर थोड़ा सा काम है वो भी कर लेते हैं। यहाँ का काम अपना ख़त्म हुआ, अब मॉल के पास में अभी थोड़ा ट्रैफिक लगा है, अभी देखते हैं कैसा लग रहा है हैंडल पे अपने। मतलब हैंडल लगाने के बाद से ट्रैफिक वगैरह कैसे कट रहा है अपना देखते हैं। योगेश भाई बोल रहे थे, आदिल भाई कल आए थे, योगेश भाई गाड़ी का ट्रायल वगैरह मारे, मोनिश भाई आए थे अपने, मोनिश भाई बोल रहे थे अरे मस्त लग रहा है मैं भी करवा लूँगा अभी, बाकी खाली एक माला नीचे करूँगा बोलते बोले ये बहुत हिमालयन जैसी हो गई है। मेरा नहीं भाई, मेरे कंधे का जो प्रॉब्लम है ना उसके वजह से मैंने इतना करके लिया है। बाकी योगेश भाई कल अपने को बोल रहे थे, बोले भाई क्या हिमालयन बना के रखे हो गाड़ी को, मेरा नहीं भाई अपने कंधे के हिसाब से अच्छा है ठीक है, देखता हूँ मैं बोला चला के देखता हूँ, नहीं तो फिर क्या करेंगे इसको एक माला नीचे करेंगे अपन क्योंकि ये दो माला चढ़ाया अपन ने, अभी इसको एक माला नीचे कर लेंगे अगर ज़्यादा तकलीफ़ देगा तो। तो योगेश भाई बोले ठीक है भाई देख लो अपने हिसाब से। बाकी गाइस मज़ा आ रहा है, सही बोल रहा हूँ मैं, बहुत 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 सही है। अभी ट्रैफिक थोड़ा काट के देख लेते हैं कैसे कटता है ट्रैफिक, ट्रैफिक में भी कोई मुझे तकलीफ़ नहीं है इतनी। योगेश भाई बोल रहे थे कटिंग करते टाइम पे मिरर या हैंडल का ही टच होगा, वो भी देख लेंगे अभी अपन। कटिंग तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को करके दिखाया, गाड़ी मस्त भाग रही है और मस्त भागते भागते कट हो रही है, एकदम एक्सपल्स जितना तो ऊंचाई दिख रही है मुझे, वो देखो एक्सपल्स जा रही है चलो देखते थोड़ा एक्सपल्स वगैरह के बाजू में लेके देखते कितनी ऊंचाई है। डोमिनार, हाँ वो डोमिनार भी मेरे से थोड़ा नीचे बाकी है, उसका भी हाइट है अच्छा खासा हैंडल का। मैं सेंटर से चल रहा हूँ और बाकी सारी गाड़ियाँ बाइक्स वहाँ से जा रही है लेफ्ट से, देखते चलो वो एक्सपल्स वाले को पकड़ लेते अपन। कहाँ गए एक्सपल्स वाले भाई, एक्सपल्स वाले भाई शायद नीचे से जाने वाले हैं। यहाँ क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है? नहीं नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बस जैम लगा हुआ है। एक्सपल्स वाले भाई भागे जा रहे हैं, पकड़ने की कोशिश जारी है। नहीं नहीं क्रिकेट की कमेंट्री भाई अपन देना चाह रहे थे लेकिन एक्सपल्स वाले भाई आगे निकल गए और शायद नीचे से चले गए। हाँ चले गए नीचे से, हाँ ये रही हिमालयन भाई चलो हिमालयन को चेक करते हैं अपन, हिमालयन जितना है या नहीं है। ये रही हिमालयन और ये रही मेरी गाड़ी, बाजू में लेता हूँ आप लोग देखो। नहीं गाइस बहुत नीचे हैंडल अपना, हिमालयन का काफ़ी ऊपर है अपना, बहुत नीचे है देख सकते हो। देखो यहाँ हैंडल देखो, वहाँ हैंडल देखो, बहुत 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 डिफरेंस है। देखो यहाँ देखो, वहाँ देखो। हाँ बाकी अगर NH की पीछे से हाइट उठा दी जाए, हिमालयन जितना बड़ा बड़ा टायर डाल दिया जाए तो शायद फिर ये हिमालयन हो जाए, बाकी अपनी गाड़ी हिमालयन नहीं है अभी फ़िलहाल, तो फ़िलहाल नहीं है हिमालयन ये। ट्रैफिक है काफ़ी टाइम से चल रहे अपन, लेकिन अभी तक कोई हाथ में ऐसा पेन वगैरह कुछ भी नहीं आया है,
मस्त है, सब सही चल रहा है। देखते हैं अभी और आगे, बांद्रा तक जाना है अपने को। ये ट्रैफिक तो रहेगा ही रहेगा अंधेरी तक, तो मोस्ट ऑफ अंधेरी के आगे भी हो सकता है ट्रैफिक, बोल नहीं सकते। सुबह का टाइम है, ऑफिस जाने वाले सब कुछ सब लोग आ चुके हैं ना, मतलब सब लोग हैं ऑफिस जाने वाले रोड पे अभी ये टाइम पे। चलो ट्रैफिक थोड़ा काटने की कोशिश करते, देखते गैप गैप से। ये देखो गड्ढा आया, बचाता हूँ ऐसे तो मैं गड्ढे को, लेकिन कभी कभी लग जाता है भाई, क्या कर सकते हैं। तो चलो मैं थोड़ा ट्रैफिक काटता हूँ, आप लोगों से थोड़ा और आगे मिलता हूँ अंधेरी वगैरह क्रॉस करने के बाद में, क्योंकि मुझे GoPro की चार्जिंग भी बचानी है मेरे, या तो फिर बैटरी चेंज करने के लिए रुकना पड़ेगा मुझे रास्ते में। तो अभी आप लोग से थोड़ा और आगे मिलता हूँ मैं। तो गाइस सारा ट्रैफिक काट के अभी अपन पहुँच गए अंधेरी विलेपार्ले फ्लाईओवर पे, अभी बांद्रा की तरफ जा रहे हैं। तो अभी यहाँ का जो ट्रैफिक होता है ना, ये काटने मज़ा आता है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत गैपिंग मिलती है। अभी थोड़ा सब साफ़ हो गया है, मतलब अभी देखते हैं कटिंग करके थोड़ा सा योगेश भाई का, जो योगेश भाई जो प्रॉब्लम बता रहे थे मैं फेस करूँगा, वो हो रही है या नहीं हो रही है अपने को, वो भी चेक कर लेते हैं अभी। अभी यहाँ पे ट्रैफिक काटते गाइस, टेम्पो वाले भाई साहब बहुत भगा रहे हैं। नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इतना ट्रैफिक काट के आए हो गाइस मैं, लेकिन मुझे ज़रा सा भी दर्द वगैरह नहीं हुआ हाथ में। और अभी थोड़ी देर के बाद में मैं ग्लव्स उतार के चला लूँगा थोड़ा सा गाड़ी, फिर देखूँगा ये जो मेरा पाम जो दर्द कर रहा है ना, वो दर्द करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये मुझे ग्लव्स की तकलीफ़ लग रही है। जो पाम प्रोटेक्शन है ना, ये साइड से ग्लव्स थोड़े हार्ड हो गए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पहने नहीं। ग्लव्स पहनते रहते तो एकदम फ्री रहते ग्लव्स, और ज़्यादा मतलब थोड़े टाइम तक ऐसे रख दो ना तो ग्लव्स किए, देखो ऐसे ही पता चल रहा है कि ग्लव्स जाम है मेरे, इस वजह से शायद दर्द हो रहा है मुझे। ये खट्टे आए है, मज़ा आ रहा है, एकदम फील ही अलग आ रहा है। एक्चुअली NS का जो नाइट्रॉक्स मोनो शॉक एब्जॉर्बर है ना, पीछे से बहुत अच्छा काम करता है, और अभी आगे इतना बड़ा हैंडल लग गया है ना, तो फोक में भी मज़ा ही आ गया एकदम एकदम। मेरे को एडवेंचर 390 वाली फीलिंग आ रही है योगेश भाई। मज़ा आ गया, अपना काम सक्सेस हो गया। हाँ योगेश भाई, आप जो प्ले का बोल रहे थे वो भी नहीं है हैंडल में, जरा भी प्ले नहीं है, देखो एकदम टकाटक हो गई है। और बराबर वो ग्लव्स की वजह से ही तकलीफ़ है, और कोई तकलीफ़ नहीं है अभी। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो गाइस अभी आगे अपना वीडियो एंड कर देते हैं सी टर्न मारने के बाद में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। तो आज का भाई यही था अपना वीडियो, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा था KTM ड्यूक 250 का हैंडल जो अपन ने इंस्टॉल किए, उसके ऊपर अपन ये वीडियो बना रहे कि भाई ये कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। अच्छे से वर्क कर रहा है ये अभी, बहुत सही, और मज़ा ही आ रहा है इसमें, गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। जिसको भी शोल्डर और बैक का प्रॉब्लम है, वो इतना ही हाइट उठा के ले अपने हैंडल का, बहुत सही है, मज़ा ही अलग है ऐसे गाड़ी चलाने का, जैसे कि आप एडवेंचर 390 चला रहे हो। चलो अभी आप लोग को एक व्यू देता हूँ अच्छा सा, और उसके बाद में वीडियो एंड कर देते अपन। तो ये रहा भाई अपना रिक्लामेशन का व्यू, सीधा माहिम जाओगे यहाँ से, वो रहा अपना वर्ली सीलिंग। लो गाइस व्यू ले लो एकदम मस्त अच्छा वाला। स्लो हो गया वो, मैं साइड में इंडिकेटर भी दिया है मैंने गाइस, मैं देखो ये देखो यहाँ जल रहा होगा, धूप में दिख नहीं रहे, बाकी मैं इंडिकेटर देता हूँ साइड से जाने का लोगों को। लो गाइस व्यू एकदम मस्त। मुझे नहीं जाना रिक्लामेशन है, तो मैं आप लोग को पूरा रिक्लामेशन दिखाता था अच्छे से, बाकी सब ने देखा ही है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, एकदम टकाटक है, मज़ा आता है। हमारा बचपन इधर ही निकला है पूरा। यही इतने ही रास्ते पे पूरे। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।